हेलो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में हम प्रेगनेंसी की न्यूज़ को लेकर के बहुत एक्साइटेड रहते हैं और साथ ही साथ बहुत नर्वस भी रहते हैं। और ऐसे में अगर पहले 3 महीनों में ब्लीडिंग यानी कि खून जाना स्टार्ट होता है तो ये हमारी नर्वसनेस को 4 गुना बढ़ा देता है। प्रेगनेंसी में पहले 3 महीने में ब्लीडिंग हो रही है, हमें वैसे भी कुछ समझ में नहीं आता है क्योंकि अभी प्रेगनेंसी इतनी छोटी होती है कि ना तो पेट में दिखाई देती है ना ही उसके कुछ खास लक्षण आते हैं। तो ऐसे में अगर ब्लीडिंग हो जाए तो हम क्या समझें, क्या इसकी वजह रहती है और हमें क्या करना चाहिए, आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। अगर आपको प्रेगनेंसी के पहले 3 महीनों में हल्की ब्लीडिंग हो रही है तो ज़्यादातर केस में इसमें घबराने की बात नहीं होती है क्योंकि ब्लीडिंग का जो सबसे कॉमन एक वजह है वो है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, यानी कि जब गर्भ बच्चेदानी के ऊपर चिपकता है उस पर उसको ब्लड सप्लाई चालू होती है, वो आगे बढ़ना स्टार्ट होता है तो कभी कभी इस प्रक्रिया के दौरान कुछ खून की जो नसें होती हैं वो खुल जाती हैं और उसकी वजह से थोड़ा सा ब्लीडिंग होता है। इसे हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। ज़्यादातर केस में इस ब्लीडिंग से गर्भ को कुछ भी नुकसान नहीं होता है तो इसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कभी कभी ब्लीडिंग की वजह खराब प्रेगनेंसी भी होती है। अगर बच्चेदानी में पनपता हुआ गर्भ ठीक नहीं है, उसकी अंदरूनी बनावट ठीक नहीं है तो कुदरत कभी भी खराब गर्भ को आगे बढ़ने नहीं देती है। अगर उसमें कोई मेजर खराबी है, कोई बहुत बड़ी जेनेटिक या क्रोमोसोमल खराबी है तो ऐसी प्रेगनेंसी ठीक नहीं बनती है तो ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है क्योंकि बच्चेदानी इस पनपते हुए गर्भ को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती है, उसे रिजेक्ट कर देती है। तो अगर ब्लीडिंग हो रही है तो दूसरी जो उसकी वजह हो सकती है वो है कि हमारा कहीं गर्भपात तो नहीं होने वाला है तो उस वजह से भी ब्लीडिंग होती है। तीसरा, कभी कभी बच्चेदानी के मुंह पे जिसे हम बोलते हैं सर्विक्स, वहाँ पे कुछ मसा जिसे हमारी भाषा में बोला जाता है पॉलिप या छाला रहता है जिसे हम बोलते हैं इरोजन, इसकी वजह से भी कभी कभार ब्लीडिंग हो सकती है। गर्भावस्था के दौरान बच्चेदानी के अंदर खून की सप्लाई बढ़ जाती है, बच्चेदानी के मुंह पे जो ग्रंथियाँ होती हैं उसका भी सप्लाई, उसकी सिक्रीशंस, उससे निकलने वाले जो पदार्थ होता है वो भी बढ़ जाता है, बच्चेदानी का मुंह सॉफ्ट हो जाता है तो इस वजह से कभी कभी वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। खासकर उस कंडीशन में अगर बच्चेदानी के मुंह पे छाला है या पॉलिप है तो ब्लीडिंग होना वाजिब सी बात है। तो इससे अंदर पनपते हुए गर्भ को कुछ भी नुकसान नहीं होता है क्योंकि एक ही लोकल फैक्टर है। चौथा, कई बार कुछ दवाइयां हम प्रेगनेंसी के पहले तिमाही में देते हैं, खासकर उन महिलाओं को जिनमें पहले से गर्भपात की समस्या रही रहती है या उनको कुछ बीमारी होती है या उनकी उम्र ज़्यादा रहती है या हमें लगता है कि भविष्य में उनका ब्लड प्रेशर बढ़ने का रिस्क ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में कभी कभी कुछ दवाइयाँ जैसे कि इकोस्प्रिन या कुछ इंजेक्शन जिसे हम बोलते हैं लो मॉलिक्युलर वेट हीपैरिन, वो दिया जाता है। इन दवाइयों की वजह से भी प्रेगनेंसी के पहले 3 महीनों में थोड़ा सा ब्लीडिंग होना एक आम समस्या है। तो ये कॉमन कारण है, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, एबनॉर्मल प्रेगनेंसी, सर्वाइकल इरोजन या बच्चेदानी के मुंह पे पॉलिप का होना या कुछ दवाइयों की वजह से पहले 3 महीनों में ब्लीडिंग की समस्या होना। तो आपको इसमें घबराने की बात नहीं है। अगर आपको ब्लीडिंग थोड़ी बहुत हो रही है तो एकदम से आपको दौड़ते हुए हॉस्पिटल में नहीं भागना है, आप बिल्कुल रिलैक्स रहिए, थोड़ा सा शांत हो जाइए और अपने डॉक्टर से बात करके अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स कराइए। हाँ, अगर आपको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है या उसके साथ में बहुत तेज़ पेट में दर्द हो रहा है तो ये इमरजेंसी है, ये वो लक्षण है जिसमें तुरंत जा करके आपको हॉस्पिटल में दिखाना है। ये समस्या अगर रात में भी हो रही है तो भी आपको जाना है। बाकी की स्थितियों में आप इंतज़ार कर सकते हैं, आराम से वेट करिए, रेस्ट करिए, शांत हो जाइए और उसके बाद जाकर के अपनी डॉक्टर से मिलिए। इस दौरान आपके डॉक्टर सबसे पहले आपको एक अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी कराने की सलाह देंगे क्योंकि पहले तिमाही में अंदर पनपता हुआ गर्भ ठीक जा रहा है या नहीं, उसके अंदर में कहीं कुछ ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है जिसकी वजह से गर्भपात हो सकता है, जैसे हम बोलते हैं कि रेट्रोप्लेसेंटल ब्लीड, वैसा कुछ तो नहीं है, बच्चे की धड़कन अंदर कैसे चल रही है, ये सब जानने के लिए सोनोग्राफी एक
इम्पॉर्टेंट जांच है और ये हमें करानी चाहिए, और इसी के बाद ही हम जान सकते हैं कि क्या वजह है ब्लीडिंग की, हमें इसमें घबराने की बात है या नहीं, गर्भ अंदर सुरक्षित है या नहीं, और आगे हमें किस तरीके से इसमें इलाज करना चाहिए। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है और आपको लगता है कि ये आपकी हेल्थ पे कुछ पॉजिटिव चेंजेस ला रहे हैं, तो प्लीज़ आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर करिए, हमारे वीडियोस को लाइक ज़रूर करिए और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए।